नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप कंप्यूटर में। यदि आप भी हेमचंद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आप परीक्षा देने के लिए आप अपना एडमिट कार्ड निकाले हैं तो एक बार जरूर रुक जाइए। आप उसमें एक गलती, बहुत बड़ी गलती आ रही है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये मार्च अप्रैल 2020 लिखा हुआ है और मैंने अभी ही ये एडमिट कार्ड फिर से मैंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मार्च अप्रैल 2021। तो आप पे ये पुराना एडमिट कार्ड शो हो रहा है, लेकिन मैंने स्टूडेंट जो है वो इसी साल की। तो जब भी आप भी यदि एडमिट कार्ड निकाले हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपने एडमिट कार्ड सही तरीके से नहीं निकाला है कि नहीं निकाला है। सही तरीके से आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है या फिर निकालना है। तो आप सबसे पहले हेमचंद यूनिवर्सिटी की साइट पर आ जाइए। यदि इसकी साइट आपके लिंक नहीं मालूम है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैं एडमिट कार्ड का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पे भी जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड में आपको आ जाना है। एडमिट कार्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट में आना है। स्टूडेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है। तो चलो मैं लिख देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट करूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको इस टाइप को डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे आपको आना है एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर का दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे प्रिंट आपको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपना ईयर जरूर चूज कर लेंगे कि देख लेंगे कि आपका ईयर सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि ये आपको सही ही निकालेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत बढ़ाएं, हमें प्यार दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।